गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 13 मैपिंग द नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड मतलब सभी को पता है क्या होता है। नेबरहुड मतलब होता है आपका हमारा पड़ोस। ठीक है, मैपिंग करना मतलब आप हमारे नेबरहुड में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसका हम डायरेक्शन वाइज, ठीक है, डायरेक्शन वाइज उसको अगर बताते हैं तो यही क्या होता है हमारा मैप करना। ठीक है, मैपिंग द नेबरहुड तो देख लेते हैं। वी ऑल लिव इन आवर हाउसेज विद आवर फैमिली। ठीक है, हम सभी अपने अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। द पीपल हु लिव नियर आवर हाउसेज आर कॉल्ड आवर नेबर्स। ठीक है, और जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेबर्स मतलब पड़ोसी। ठीक है, देयरफॉर द एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ नोन एज अवर नेबरहुड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे आसपास का जो एरिया जहाँ पे हमारे पड़ोसी भी रहते हैं उसको हम नेबरहुड कहते हैं। ठीक है, नेबरहुड मतलब होता है पड़ोस और नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है, प्लेसेस सच एज स्कूल, पार्क्स, मार्केट, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, बैंक्स एक्सेट्रा आर द पार्ट ऑफ अवर नेबरहुड। ठीक है, तो हमारे नेबरहुड में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, स्कूल हो सकता है, पार्क हो सकता है। ठीक है, स्कूल जहाँ आप पढ़ने जाते हो, पार्क जहाँ पे आप शाम को खेलने जाते हो, मार्केट भी होगा। ठीक है, जहाँ आपके मम्मी पापा शॉपिंग के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल होता है छोटा सा, पुलिस स्टेशन भी होता है, बैंक होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे नेबरहुड का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, देर आर टू वेज इन विच वी कैन रिप्रेजेंट द थिंग ऑफ एन एरिया ऑन पेपर। ठीक है, तो हम किसी भी एरिया को पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज वन इज अ स्केच एंड द अदर इज़ मैप। ठीक है, तो पहला आप ड्राइंग बना के कर सकते हो और दूसरा जो है मैप के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, स्केच में क्या होगा, आपको पूरा ड्राइंग बनाना पड़ेगा। जैसे ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये क्या है, स्केच मतलब आपने आपके नेबरहुड में जो भी चीज़ें थी, ठीक है, जैसे आपका घर, आपका पड़ोस का हाउस, ये हाउस, लाइब्रेरी है तो वो, पार्क है तो वो, ठीक है, सुपरमार्केट है तो वो, स्कूल है तो वो, ठीक है, एक और पार्क है वो, और साथ ही साथ उन सभी का जो रास्ता है, ठीक है, वो भी आपने प्रॉपर ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्केच। अ रफ ड्राइंग ऑफ अ बिल्डिंग और एन एरिया इज कॉल्ड अ स्केच। ठीक है, तो स्केच क्या होता है, एक रफ ड्राइंग होती है किसी भी बिल्डिंग या एरिया की। ठीक है, तो स्केच आप भी बना सकते हो। इट डज नॉट प्रोवाइड अस विद द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ वन प्लेस फ्रॉम दी अदर। ठीक है, हमने स्केच तो बनाया, ठीक है, स्केच से हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पे आपका घर है, आपके घर के पास लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के पास में यहाँ से थोड़ा दूर स्कूल है और ये सुपरमार्केट है। ठीक है, ये पता चल गया कि कहाँ पे क्या है, लेकिन एग्जैक्ट डिस्टेंस यानी आपके घर से लाइब्रेरी कितनी दूर है, लाइब्रेरी से सुपरमार्केट कितना दूर है, सुपरमार्केट से स्कूल कितना दूर है, ये डिस्टेंस हमको स्केच से पता नहीं चलती। ठीक है, साइंस एंड सिंबल्स आर यूज टू शो द मेजर प्लेसेस ऑफ लैंडमार्क्स। ठीक है, तो जो लैंडमार्क यानी मेजर प्लेस या लैंडमार्क, ठीक है, मतलब आपका घर पता करना है तो आपके घर के पास जैसे ये लाइब्रेरी है तो आप कैसे एड्रेस बताओगे, सपोज, ठीक है, आपके फ्रेंड को बोलोगे कि वहाँ लाइब्रेरी, पूछ लेना, लाइब्रेरी के जस्ट बगल में मेरा घर है, मतलब यहाँ पे लैंडमार्क क्या हुआ, लाइब्रेरी। ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी में तो दूर दूर से लोग आते होंगे। ठीक है, तो भले जिसको आपका घर नहीं पता लेकिन लाइब्रेरी कहाँ है ये तो पता ही होगा जो लाइब्रेरी आता है। ठीक है, तो लैंडमार्क यूज़ करते हैं। एरो कुड बी ऑल्सो ड्रॉन ऑन द स्केच ऑफ एन एरिया टू शो द वे टू बी फॉलोड। ठीक है, आप स्केच पे एरो बना के घर का रास्ता भी बता सकते हो, जैसे लाइब्रेरी से सीधे आओगे तो मेरा घर आएगा, आप ऐसे बोल सकते हो, या लाइब्रेरी से लेफ्ट टर्न करोगे तो पार्क आएगा। ठीक है, या लाइब्रेरी से सीधा जाकर राइट में सुपरमार्केट आएगा, इस तरह से आप डायरेक्शन एरो से भी बना सकते हो। ठीक है, स्केचेस आर मेड ऑफ स्मॉल एरियाज और बिल्डिंग ओनली। ठीक है, तो स्केच जो है सिर्फ छोटे छोटे एरिया या बिल्डिंग का ही हम बना सकते हैं। अगर हम पूरे सिटी की बात करेंगे कि सिटी का हम स्केच बनाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप कितनी सारी चीज़ें पेपर पर ड्रॉ करोगे, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जो स्केच होता है वो छोटे से एरिया का या बिल्डिंग का ही होता है। अब आता है मैप। ठीक है,
मैप इज़ अ ड्राइंग ऑन अ पेपर विच शोज़ वेयर डिफरेंट प्लेसेज आर लोकेटेड. ठीक है, मैप क्या है? मैप एक ड्राइंग होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि अलग अलग प्लेसेस कहाँ कहाँ पे हैं. जैसे आप ये मैप देख रहे हो, ठीक है, ये देखो मैप में ये छत्तीसगढ़ है जहाँ हम रहते हैं, उसके बगल में मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है. तो ये आपको पता चल रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे एग्जैक्ट है. ठीक है, द प्लेस कैन बी अ सिटी, कंट्री और द होल वर्ल्ड. ठीक है, तो ये प्लेस कुछ भी हो सकता है, मतलब आप सिटी बता सकते हो, कंट्री भी बता सकते हो और वर्ल्ड भी बता सकते हो. जैसे कि इंडिया के बगल में छोटा सा कंट्री नेपाल है, फिर ये चाइना लगा हुआ है, फिर ये पाकिस्तान है. ठीक है, मैप शोज थिंग्स विच कैन बी विजिबली सीन सच एज रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट, बिल्डिंग और रोड्स. ठीक है, मैप में आप सब चीज़ें बना सकते हो और वो चीज़ें आपको दिखती भी है. ठीक है, जैसे रिवर, लेक, बिल्डिंग, रोड. ठीक है, ये देखो ओशन दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ पे ओशन है. ठीक है, सिमिलरली रिवर भी हम बनाते हैं मैप में, फॉरेस्ट भी बनाते हैं, अलग अलग सिंबल से सब चीज़ शो कर सकते हैं. ठीक है, दीज ऑल्सो शो थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन सच एज बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज. ठीक है, और ऐसी चीज़ें भी मैप में होती हैं जो हमें दिखती नहीं है. ठीक है, जैसे दो कंट्रीज़ की बाउंड्री, हम इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री जाएंगे तो ऐसे हमको एक प्रॉपर दीवार जैसे नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मैप में हमको समझ आ रहा है कि हाँ ये एरिया इंडिया का है और बाकी एरिया पाकिस्तान का है. ठीक है, मोस्ट मैप्स आर ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस. और मैप हम कैसे बनाते हैं? फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं. ठीक है, ये देखो ये आपका मैप, अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एटलस. ठीक है, मैप की एक बुक आती है जिसमें हमें पूरे वर्ल्ड का मैप रहता है. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एटलस. नाउ द डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स आर फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप. ठीक है, अलग अलग टाइप के मैप होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक. फिजिकल मैप क्या होता है? दिस शोज हिल, माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, कैनाल्स, जंगल्स एंड कोस्ट लाइन्स. ठीक है, फिजिकल मैप में क्या होगा? जो फिजिकली प्रेजेंट है चीज़ है. ठीक है, मतलब जैसे हिल, माउंटेन, प्लेन, रिवर, ठीक है, जंगल, ये सब फिजिकल मैप में होगा. ठीक है, पॉलिटिकल मैप में हम क्या बनाते हैं? सिटीज, टाउन्स, विलेजेस और डिफरेंट कंट्रीज और उनकी बाउंड्रीज. ठीक है, थीमेटिक मैप में क्या होगा? दिस इंक्लूड रोड मैप्स, रेनफॉल मैप, द मैप रिप्रेजेंटिंग फॉरेस्ट एरिया एंड इंडस्ट्रीज. ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? रोड, ठीक है, रेनफॉल, कहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है वो, ठीक है, और कहाँ पे कितना फॉरेस्ट है, ये सब हम थीमेटिक मैप में बताते हैं. ठीक है, अ मैप ड्रॉन ऑन अ राउंड सरफेस इज कॉल्ड अ ग्लोब. ठीक है, मैप को जब हम राउंड सरफेस में बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब. जब फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं तो वो क्या होता है? मैप. ठीक है, नाउ मैप स्केल. अब एज मैप्स शो थिंग्स इन स्मॉलर साइज देन देयर एक्चुअल साइज, सो स्केल्स आर यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस. ठीक है, अब आप मैप देखो, मैप में देखो, मैप में क्या होता है? ये देखो, हमने देखा ये इंडिया का मैप. ठीक है, इंडिया के मैप में हम क्या देख रहे हैं? इंडिया में जितने सारे स्टेट्स हैं वो सभी हमको दिख रहे हैं. अब आप सोचो, एक छोटे से पेपर में हमने पूरा इंडिया बना दिया है ना, लेकिन पूरा इंडिया इतना छोटा तो नहीं है, इंडिया बहुत बड़ा है. ठीक है, तो ज़्यादा बहुत सारी डिस्टेंस को, ठीक है, हम छोटा करके मैप में बनाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? स्केल का. ठीक है, जैसे स्केल छोटी सी आती है ना, ठीक है, उसी स्केल का हम यूज़ करते हैं और उसको हम रेशियो में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, जैसे इफ अ मैप इज मेड यूजिंग द स्केल 1:1000, देन इट मींस देन 1 यूनिट ऑफ मैप इज इक्वल टू 1000 यूनिट ऑन लैंड. ठीक है, जैसे इसमें यूनिट यूज़ करते हैं 1:1000. ठीक है, मतलब मैप का एक यूनिट लैंड के 1000 यूनिट के बराबर है. मतलब अगर हम 1 सेंटीमीटर मैप में 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, एक्चुअल में 1000 किलोमीटर. मतलब क्या होगा कि मैप का 1 सेंटीमीटर यानी अर्थ या लैंड का कितना किलोमीटर? 1000 किलोमीटर. ठीक है, तो इस तरह से हम छोटे छोटे स्केल कर में डिवाइड करके लैंड को पूरा एक मैप में ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है,
द मैप स्केल इज़ गिवन एट बॉटम ऑफ द मैप, ठीक है। और ये देखो ये आपकी मैप स्केल है, मैप स्केल हमेशा मैप के बॉटम में दी हुई होती है, ठीक है। नाउ पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स, ठीक है। तो जो मैप बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। जैसे जो डांस करते हैं वो डांसर, जो सिंगिंग करते हैं वो सिंगर, वैसे ही जो मैप बनाते हैं वो क्या होते हैं, कार्टोग्राफर्स, ठीक है। नाउ सिंबल्स ऑन मैप्स, ठीक है। मैप में अलग अलग सिंबल से हम चीज़ें शो करते हैं, जैसे लैंड, वाटर, माउंटेन, फॉरेस्ट, रिवर, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, पार्क, रोड, सिटी, स्मॉल टाउन, ये सब, ठीक है। इसको हम छोटे छोटे सिंबल ड्रॉ करके बनाते हैं, क्योंकि हम नदी तो बहुत बड़ी होती है, हम एक मैप में बहुत बड़ी नदी बनाएंगे क्या, नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए छोटा सा उसको सिंबल बना देते हैं, तो हमको देखने से समझ आ जाता है कि हाँ यहाँ पे नदी है या यहाँ पे हॉस्पिटल है, ठीक है। अ मैप प्रोवाइड्स डायरेक्शन ऑफ रोड्स, सिटीज़, विलेजेस, रिवर्स एंड माउंटेन, ठीक है। मैप हमको क्या क्या बताता है, रोड का डायरेक्शन बताता है, सिटी बताता है, विलेज बताता है, ठीक है, रिवर और माउंटेन भी बताता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, बट इट कैन नॉट शो अस ऑल द डिटेल्स, ठीक है। लेकिन मैप देखने से आपको पूरी डिटेल नहीं पता चलती, ठीक है, क्योंकि मैप में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, ठीक है। सो स्पेशल पिक्चर्स नोन एज सिम्बल्स आर यूज टू शो देम, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं हम कि सिंबल यूज़ करते हैं उन चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे छोटा सा घर बना दिया हमने, ठीक है, लेकिन वो घर क्या एक्चुअल में हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है, ठीक है, वो बिल्डिंग क्या है, हॉस्पिटल है। तो हम हॉस्पिटल को कैसे स्पेसिफाई करेंगे मैप में कि हाँ ये हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हम एच सिंबल लिख देंगे, मतलब हमको समझ आ जाएगा कि एच मतलब क्या होता है, हॉस्पिटल। तो ये बिल्डिंग क्या है, हॉस्पिटल है, ठीक है। सिम्बल्स आर यूजली ड्रॉन सिमिलर टू द थिंग्स दे रिप्रेजेंट, ठीक है। सिम्बल मतलब जनरली जैसे हॉस्पिटल एच से शुरू होता है, तो हॉस्पिटल का सिम्बल एच, ठीक है। जैसे हाउस के लिए हम हाउस सिम्बल यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट के लिए हम ट्री बना देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ही सिम्बल भी होता है, जिस तरह से उसका मीनिंग होता है। दिस लिस्ट इज़ नोन एज अ की, ठीक है। तो सिंबल की एक लिस्ट होती है मैप में, ठीक है, जिससे हम देख के पहचान सकते हैं कि हाँ इस सिंबल का मीनिंग ये है, ठीक है। तो ये लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को हम की कहते हैं, ठीक है। अ की टेल्स अस व्हाट ईच सिंबल यूज ऑन द मैप मीन्स, ठीक है। तो जो भी सिंबल मैप में यूज हुआ है उसका मीनिंग किस में होता है, उसकी की में, ठीक है। डिफरेंट कलर्स आर ऑल्सो यूज फॉर सर्टेन थिंग्स सच एज ब्लू फॉर रिवर।